मैं हूँ योशु। मायापुरी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2 रिसेंटली रिलीज हुई थी थिएटर्स पर और अब रूल करती हुई नजर आ रही है बॉक्स ऑफिस पर। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन, कियारा अडवाणी और तब्बू लीड रोल्स में नजर आ रहे हैं और ये ऑफिशियल सीक्वल है 2007 में बने अक्षय कुमार और विद्या बालन स्टारर भूल भुलैया का। बिल बता दें कि ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर धमाका करती हुई नज़र आ रही है। 2022 की बॉलीवुड की बिगेस्ट ओपनर बताई जा रही है ये फिल्म। वहीं इस फिल्म ने अपने थर्ड डे पर संडे के दिन पर 27.5 करोड़ का बिजनेस किया। ये इस फिल्म का फर्स्ट संडे था। रिपोर्टेडली इस फिल्म ने अब तक 55.95 करोड़ कमा लिए हैं। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस दोनों ही वीकेंड्स पर मज़े करते हैं। संडे का उनका रूटीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिक्स्ड रहता है एज वो सॉफ्ट बॉल के गेम के लिए जाते हैं। प्रियंका ने निक को लक विश किया और उनको एक हग भी दिया जैसे ही वो फील्ड में गेम खेलने जा रहे थे। प्रियंका चोपड़ा को फील्ड में स्पॉट किया गया पिंक जंप सूट में विद वाइट एक्सेसरीज। वेल, पिक्चर्स वायरल हो रही हैं प्रियंका और निक के इस दिन से जो फैन पेजेस के थ्रू शेयर की जा रही हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि निक ने वाइट कलर का यूनिफॉर्म पहना है और उसे पेयर किया है रेड जैकेट और रेड कैप के साथ। रिसेंटली पंजाबी सिंगर कनिका कपूर की शादी गौतम से हुई थी। वेल बता दे दोनों का रिसेप्शन जो है लंदन में ही सैटरडे के दिन हुआ था। सिंगर और बिजनेसमैन की शादी 20th में फ्राइडे के दिन हुई थी एक इंटीमेट सेरेमनी के चलते जिसे अटेंड किया था क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली ने। कनिका ने कई सारे फोटोज और वीडियोस भी शेयर किए संडे के दिन के उनके रिसेप्शन से जहां हम ब्राइड और ग्रूम को देख सकते हैं गेस्ट के साथ। यहां पर पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा भी नज़र आए, कंपोजर सिंगर शेखर रवि जानी भी नज़र आए। बता दें कि कनिका कपूर ने गुरु रंधावा के साथ कई बार स्टेज शेयर किया है। इसी रिसेप्शन के पिक्चर्स और वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें हम कनिका को रेड इंडियन आउटफिट में देख सकते हैं। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने रिसेंटली अपनी वाइफ दीपिका पादुकोण को ज्वाइन किया डियोर के एक इवेंट के लिए 75th एनुअल कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2022 में। वेल बता दें कि फोटोज एक्टर्स के वायरल होती हुई नजर आ रही हैं। एज एक्टर को स्माइल और पोज करते हुए देखा गया सेलिब्रिटी रिबेका हॉल के साथ सोशल मीडिया पर संडे के दिन स्माइल और पोज करते हुए। वेल, रिबेका और दीपिका दोनों ही केन्स की जूरी मेंबर हैं और रणवीर सिंह को स्पॉट किया गया उनके साथ पार्टी करते हुए जिसकी पिक्चर सोशल मीडिया पर आउट हो चुकी हैं। रणवीर सिंह को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था रिसेंटली कैंस फिल्म फेस्टिवल के लिए रवाना होते हुए। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के कई सारे शौक हैं और मार्शल आर्ट्स उनमें से एक है। वेल बता दें कि दिशा पाटनी ने रिसेंटली अपने जिम डे से एक वीडियो शेयर की अपने इंस्टाग्राम पर जिसमें हम देख सकते हैं कि वो इम्प्रेसिव किक्स करती हुई नज़र आ रही हैं। वेल बता दें कि दिशा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बनी रहती हैं रिलेशनशिप के चलते टाइगर श्रॉफ के साथ। टाइगर श्रॉफ जो अपने एक्शन स्किल के लिए माने जाते हैं, अब दिशा पाटनी भी उनसे ये सब सीख रही हैं। और बता दें कि यहाँ पर उन्होंने एक वीडियो शेयर की जिसमें उनको इम्प्रेसिव किक्स करते हुए देखा गया। ये देखकर फैंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए और उन्हें अप्रिशिएट करने लगे कमेंट सेक्शन पर। एक्टर करीना कपूर करंटली शूटिंग कर रही हैं दार्जिलिंग में और उन्होंने शेयर किए कुछ फन वीडियोस एज वो इंजॉय कर रही हैं फ्रेंच फ्राइज अपने को स्टार विजय वर्मा के साथ। अपने इंस्टाग्राम पर करीना कपूर ने ये वीडियो पोस्ट की और वो स्नैक्स इंजॉय कर रही हैं फ्रीजिंग हिल स्टेशन में। वीडियो कुछ इस तरह से स्टार्ट हुई कि एक प्लेट में फ्रेंच फ्राइज भरे हुए थे और उनको एक रेड चेयर पर बैठे हुए देखा गया। इसी के साथ करीना कपूर ने इस लवली स्नैक्स को फ्रीजिंग टेम्परेचर में इंजॉय किया। इसके अलावा करीना कपूर आए दिन अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी दार्जिलिंग का फ्रीजिंग कोल्ड ब्यूटीफुल व्यू शेयर करती रहती हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत जो काफ़ी ज़्यादा ब्लंट है और काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है अपने स्टेटमेंट्स और ओपिनियन के चलते, वहीं बता दे कि इसके बीच कंगना रनौत ने रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म भूल भुलैया 2 की तारीफ की। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर
कॉन्ग्रेचुलेट किया भूल भुलैया की टीम को। उन्होंने लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू भूल भुलैया 2 फॉर एंडिंग द ड्राई स्पेल एट हिंदी बॉक्स ऑफिस। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम ऑफ द फिल्म। और उन्होंने साथ में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी को भी टैग किया, जिसे कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी ने खुद रीशेयर किया और कार्तिक आर्यन ने लिखा, थैंक यू मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की अपकमिंग फिल्म है कभी ईद कभी दिवाली। अब तक ऐसा बताया जा रहा था कि इस फिल्म में आयुष शर्मा और जाहिर इकबाल नजर आएंगे, लेकिन बता दें कि सलमान खान चाहते हैं कि इस फिल्म में यूथफुल टैलेंट नज़र आए, जिसके चलते वो चाहते हैं कि कोई नया यंग एक्टर नज़र आए। और वो सनी देओल के बेटे करण देओल साथ ही साथ जावेद जाफरी के बेटे मिजान को अप्रोच करते हुए नजर आए इस फिल्म के चलते, रिप्लेसमेंट के चलते। इतना ही नहीं, उन्होंने अभिमन्यु दिसानी को भी कॉन्टैक्ट किया इस फिल्म के लिए एज अ पॉसिबल कैंडिडेट कभी ईद कभी दिवाली के लिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी काफ़ी ज़्यादा प्राउड कर रही हैं इंडिया को प्रेस्टीजियस कैन फिल्म फेस्टिवल में। वेल बता दें कि रिसेंटली एक्ट्रेस को मेजर फैशन गोल्स देते हुए देखा गया परफेक्शन के साथ। अदिति राव हैदरी को शियर ब्लैक ड्रेस में देखा गया, ये एक लेस्ड ब्लैक गाउन था जो वन ऑफ हर रिसेंट अपियरेंस में से एक था। एक्ट्रेस को इस लुक को कंप्लीट करते हुए देखा गया ड्यूई मेकअप और चंकी एक्सेसरीज के साथ, जैसे कि स्टेटमेंट चोकर और हूप इयररिंग्स के साथ। ये ब्रेथ टेकिंग विजन जो है अदिति राव हैदरी के, पिक्चर्स सामने आ चुके हैं कैन फिल्म फेस्टिवल से। अदिति ने खुद कुछ पिक्चर्स शेयर करते हुए लिखा, विद माई हार्ट सेट इन इंडिया माई ड्रीम्स टेक फ्लाइट अक्रॉस द वर्ल्ड। अनिल कपूर, वरुण धवन, कियारा आडवाणी, नीतू कपूर की फिल्म जुग जुग जियो का रिसेंटली ट्रेलर लॉन्च हुआ था मुंबई में। वेल बता दें कि इंटरेक्शंस के दौरान मीडिया ने कियारा आडवाणी से पूछा सेटलिंग डाउन और मैरिज के बारे में। यहां उन्होंने इनडायरेक्टली सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी नाम लिया और उनके डेटिंग लाइफ के बारे में पूछा। वेल बता दें इसके चलते करण जो है इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उन्होंने बीच में कहा, मेरी शादी के बारे में आपने कुछ नहीं पूछा, मैं 50 का होने लगा हूँ, आपको क्या लगता है मैं शादी के काबिल नहीं हूँ? भाई हम भी शादी कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने जोकिंग भी कहा। जिसके बाद वरुण धवन भी बीच में आ गए और उन्होंने जोक करके रिस्पॉन्ड किया, तेरे माँ बाप आएंगे तेरा रिश्ता लेकर। मजाक मस्ती के बाद कियारा आडवाणी ने रिप्लाई किया कि बिना सेटल डाउन किए भी वो खुश हैं, वो काम कर रही हैं, अर्न कर रही हैं और इसी के चलते वो काफी खुश हैं। आज के लिए इतना ही। लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी कार्ट।